भासोड़ा कस्बे में सुहाग की लंबी उम्र तथा घर में सुख समृद्धि की कामना को लेकर महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया। आपको बता दें कि महिलाएं निर्जला उपवास रही, सुबह से ही महिलाएं पूजा की तैयारी में जुटी थी। इस दौरान महिलाओं ने करवा चौथ की पूजा सामग्री ज्वेलरी चूड़ियां बिंदिया काजल कांच और लाख की चूड़ियां व कपड़े फल पुष्प सिंघाड़े की खरीदारी की। वहीं उद्यापन करने वाली महिलाओं ने गिलास लोटा आदि खरीदा। खरीदारी के मामले में पुरुष भी पीछे नहीं रहे। पुरुषों ने जीवन संगनियों के लिए उपहार खरीदे तो कई लोगों ने व्रत भी रखा। महिलाएं पूजा करने से पहले सजने संवरने के साथ ब्यूटी पार्लर पर भी गई। शाम को महिलाएं सूला सिंगार कर सामूहिक रूप से करवा चौथ माता की पूजा की और कथा सुनी। रात्रि में चलनी से चंद्रमा को निहार कर अर्घ दिया। अपने सुहाग की समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना के बाद बड़ों से आशीर्वाद लेकर व्रत खोली। इस दौरान महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी भी रचाई। आज के दिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए, घर के सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती है। और इसके पीछे ये लॉजिक है कि इससे सुख शांति और यही लॉजिक है कि चंद्र की जो अपने सब तरफ प्रकाशमान होता है उसकी पूजा करके वो अपने मन को शांति का प्रतीक समझती है कि इससे हमारे को सब कुछ मिलेगा, हमारे पति की लंबी उम्र की कामना होगी जो पूरी होगी, घर में सुख समृद्धि की जो इच्छा है वो सारी पूरी होगी, बच्चे वगैरह सबके लिए अपनी माँ से कामना करती है। बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद लिया जाता है? बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद लेके अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए वो अपने बड़े बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। और भगवान के प्रति आस्था इसी का संदर्भ देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी बदलती जा रही है कि ये सब लॉजिक और ये सब कुछ ऐसे ही है कि इतिहास में जो चलता आ रहा है अभी तक वो सब बेकार समझते हैं। आज की पीढ़ी की ये कुछ नहीं है, पूजा पाठ कुछ करने से कुछ नहीं होता है, पर एक मन को शांति, घर में वातावरण में शांति, एक अलग तरह का सुख शांति मिलती है इस चीज़ से। वो सिखाने या दिखाने बच्चों को, अपने आज की पीढ़ी को सिखाने का महत्व है या इसका ये महत्व है सबसे ज़्यादा। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.